हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा और इस क्लासेस मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे, जहाँ आज की हमारी टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बता दूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे हमारी यह दूसरा दिन है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है और ये आज हम दूसरे दिन पे, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, द CPF एन आर्टिकल इज 450 रुपीज़। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये है, मतलब कि किसी वस्तु को आप 450 रुपये में खरीद रहे हैं। अब हमसे कह रहे हैं हाउ मच इज इट सोल्ड, इसको कितने में बेचा जाए टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कि हमें 10% का लाभ हो। तो यहाँ देखेंगे हमें क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य है 450 रुपये, प्रतिशत लाभ भी हमें दे रखा है और ये है 10% का प्रतिशत लाभ हमें चाहिए। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टा में 100। तो क्रय मूल्य है 450 रुपये इंटू 100 प्लस 10 बट्टा में हो जाता है 100। तो ये हो जाता है 450, 100 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 बट्टा में हो जाता है 100, 0 से 0, 0 से 0, 45 में 11 से गुणा करना है तो 5 का 5, 5 4 9, 495 रुपये में हमें उस वस्तु को बेचना होगा जिससे कि हमें 10% का लाभ हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द CPF एन आर्टिकल इज 500 रुपीज़। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये में, मतलब कि आपने 500 रुपये में उसे खरीदा। आप कह रहा है हाउ मच इज इट सोल्ड, अब इसे कितने में बेचे कि हमें 10% की हानि हो। जो क्वेश्चन ऊपर वाला था वही क्वेश्चन नीचे वाला है, बस वहाँ प्रतिशत लाभ था और यहाँ प्रतिशत हानि दिया हुआ है। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि है 5 बट्टा में हो जाता है 100, 0 से 0, 0 से 0 कट जाता है, ये हो जाता है 5 और 100 में से 5 घटाएंगे तो 95। अब हम करेंगे 95 पर 5 से गुणा, तो 5 में 5 से गुणा करते हैं 25 का 5, 2 9 5 45 और 2 47। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 600 रुपीज़। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा गया है ना, इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है वो हमें 600 रुपये दे दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ जो उस पर दिया हुआ है वो 20% का लाभ दिया हुआ है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा में 100 प्लस प्रतिशत लाभ। विक्रय मूल्य हो गया 600 गुणा 100 बट्टा में 100 प्लस 20, तो ये हो जाता है 600 गुणा 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 120 से ये कट जाता है 600 5 बार में और 100 में 5 से गुणा कर दे तो ये हो जाता है 500 रुपये। इसका मतलब ये हुआ उस वस्तु का क्रय मूल्य था 500 रुपये। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये टोटली ट्रिकी है, आप ट्रिक पर आसानी से इसे बना लेंगे, ऐसे प्रोसेस से जाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। कह रहा है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 480 रुपीज़, जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो देन द प्रॉफिट इज 20%, तो हमें जो लाभ होता है वो 20% का होता है। तो कह रहा है हाउ मच इज इट सोल्ड, अब हम इसे कितने में बेचे टू गेन ऑफ 30%, ताकि हमें 30% का लाभ हो। ध्यान रहे बेचे है, विक्रय मूल्य हो जाता है 480 रुपये है ना, और प्रतिशत हानि जो है वो 20% की और प्रतिशत लाभ जो है वो 30% का है। तो हम इसमें जो पहला है ना, इसे हम एक्स ले लेते हैं 480 रुपये और 20% हानि पर बेची जाती है, इसे हम ले लेते हैं वाई, और ये जो 30% का लाभ होने वाला है इसे हम ले लेते हैं जेड, है ना। तो हमसे पूछा है वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, तो उसे कितने में बेचा जाए। नया विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, एक विक्रय मूल्य दे दिया हुआ है, नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यह हो जाता है नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस जेड बट्टा में हो जाता है 100 माइनस ये जो हानि वाला है ना इसे हम लिख देंगे तो ये हो जाता है y और गुणा में हो जाएगा, जो हम इसे
पहला जो विक्रय मूल्य होगा ना उसे हम गुणा में लिख देंगे, मतलब कि यहाँ हो जाता है x, तो ये हो जाता है 100 प्लस जेड, जेड था 30 बट्टा 100 माइनस वाई, वाई हमारा हो जाता है 20, और गुणा में पहला विक्रय मूल्य था 480 था, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 130, 100 में 20 घटाएंगे तो ये हो जाता है 80 गुणा 480, जीरो से जीरो कट जाता है, 8 में 48 से भाग देंगे तो ये हो जाता है 6, और 13 में 6 से गुणा करेंगे 78, और एक जीरो लगाते हैं 780। इसका मतलब ये होता है उस वस्तु को 780 रुपये में यदि हम बेचते तो हमें 30% का लाभ हो जाता। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का आज हमारा एक टॉपिक जिसमें हमने आपके 4 क्वेश्चंस लाए हो। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।